गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं वीवी के ऑफिशियल। तो मैं आ चुका हूं अपने को न्यू व्लॉग के साथ। तो मैंने सोचा था कि व्लॉग नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज है 31st, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आज का व्लॉग ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि आज शाम मिस कर दे व्लॉग बनाना। तो अगर पक्का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। पहले तो थोड़ा सा मतलब बीमार हो गया, तो वॉइस का इग्नोर करना। तो फिलहाल अभी उठे हैं, अभी 8 बज गए, 8:30 बजे क्लास है, आधे घंटे के बाद। तो जल्दी जल्दी नहाते हैं, रेडी होते हैं, क्लास को ले अटेंड करते हैं। और आज एक और बात है, आज मेरा इंटरव्यू फाइनल, वो साइंस वर्ल्ड जो मैंने आपको बताया था उसको फाइनल इंटरव्यू आज। तो आज वो भी देंगे हम, उसका रिजल्ट पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन वो भी इंटरव्यू भी है। तो कहते हैं आज बड़े सारे काम है, तो आज ब्लॉग बनेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड। तो ब्लॉग को देखने से पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो चैनल को, और चलो फिर मिलते हैं बाद। सो फाइनली गाइस, अभी हम निकल चुके हैं हॉस्टल से, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं कॉलेज की साइड, लेकिन सबसे पहले मुझे रिज्यूम फोटो स्टेट करवाना था, लेकिन दुकान है बंद। तो अभी जाएंगे हम कॉलेज में, तो करते हैं किसी को, लड़के को फ़ोन बोलते हैं, किसी को रिज्यूम फोटो स्टेट करवा के दे दें, कोई हेल्प कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल तो मेरी क्लास है, तो क्लास अटेंड करते हैं, और रिज्यूम का चक्कर बन गया, बट देखते हैं कुछ करते हैं। ओके फिर मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, अभी इंटरव्यू हो गया, तो अच्छा गया, ठीक है, मतलब इतना खास नहीं गया बट ठीक था। तो लेकिन मुझे वैसे जाना नहीं है साइंस वर्ल्ड में, ऐसा अच्छा लगा मेरे को इंटरव्यू देखे। तो अभी मैं जा रहा हूँ रूम में, तो अभी खाना खाना है, देखते हैं। अगर मैस खुली होगी तो खाएंगे, नहीं खुली होगी तो सो जाएंगे, क्या करना है, इससे ज़्यादा फिर भूखा रह लेंगे। और फिर शाम को देखते हैं कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि आज 31st है, तो मूड तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, चलो फिर मिलते हैं बाद में। अभी हो रहे हैं शाम के 4:30, तो सुबह से कुछ नहीं खाया, पिछले हफ्ते भी इसी के चक्कर में नहीं खाया था, वो साइंस वर्ल्ड के चक्कर में, इस बार भी उसी के पेपर वगैरह में, तो सुबह से कुछ नहीं खाया था। अभी वीकनेस हो रही है बड़ी ज़्यादा, तो बोला भी नहीं जा रहा इतनी ज़ोर से। तो फिलहाल तो अभी जा रहे हैं हम कैंटीन में, 4 बजे कैंटीन खुलती है, तो वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो खाते हैं, और फिर शाम को देखते हैं प्लान है कुछ है या नहीं। और आज बड़ी सारी बातें करने वाली हैं इस ब्लॉग में, आपको बड़ा कुछ बताने वाला हूँ। ओके ब्रो, तो बड़ा कुछ बताना चाहता हूँ इस साल में हमने क्या किया क्या नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग में सब कुछ एक्सप्लोर कर दें, जो जो सीखा, जो जो पाया, जो जो खोया, सब कुछ इस ब्लॉग में हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। तो शाम तक बताते हैं, अभी तो खाना खा के अभी कुछ खा लेते हैं, फिर शाम को मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो बड़ी सारी बातें करने वाली इस ब्लॉग में। तो आज 31 दिसंबर है, आज के बाद ये लास्ट ब्लॉग है साल का, नेक्स्ट ईयर में ये ब्लॉग आपको दिखेगा, तो 1st तारीख को ये शायद मतलब नेक्स्ट ईयर में दिखेगा। तो चलो फिर मिलते हैं खाने के बाद। गाइस अभी जा रहे हैं हम छत पे, तो यहाँ बैठ के आपसे बड़ी सारी बातें करेंगे। तो ऊपर का ऐसा माहौल है अभी कुछ, तो फिलहाल तो अभी दूध और बिस्किट खा के आए हूँ, तो थोड़ी एनर्जी लगी है। और ये मेरा हॉस्टल का छत है, वो 3rd और 2nd 4th ईयर वालों का हॉस्टल है, और ऐसा माहौल है तो आसपास का। तो चलो फिर बैठते हैं कहीं और, बैठ के फिर आपसे बातचीत करते हैं। सो फाइनली गाइस, अभी आया हूँ छत पे, ठीक है। तो अभी कैंटीन गया था, तो आपको 2 मिनट पहले दिखाया ही है, तो कैंटीन गए थे, तो वहाँ दूध वगैरह और बिस्किट वगैरह खाया, तो अभी थोड़ी एनर्जी आ रही है। तो इंटरव्यू अच्छा गया, बहुत सही था, मस्त था, मज़ा आ गया इंटरव्यू देने में। तो फर्स्ट टाइम लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना दिया। तो साथ में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ख़राब हो गई है, थोड़ी सी कोल्ड हो गई है, मतलब ऐसे गले में दर्द है, तो बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। ब्लॉग विषय ने बनाने थे, लेकिन सोचा कि मैं बना लूं, क्योंकि 31st है, तो बड़ी सारी बातें करने वाली थी इस साल में, क्योंकि नया साल आ जाएगा ना, तो पुरानी साल की बातें कब करेंगे। तो आज 31st है, तो सबसे पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर पे आने वाला है ब्लॉग, तो इसलिए सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी मुबारक हैं आपको नए साल की। तो अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा आए, मेरे सभी ऑडियंस के लिए, जो भी मेरे को देखते हैं, मेरे सारे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, और जितने भी लोग मेरे को देखते हैं, सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी मुबारकें। और साथ में जो नहीं भी देखते उनको भी, ऑल इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, सबको मेरी तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस साल में बड़ा कुछ सीख लिया है, ठीक है, तो इस साल ने सिखाया भी बड़ा। तो 12th के पेपर दिए फर्स्ट टाइम इसी ईयर में, ठीक है, फर्स्ट टाइम सभी ने एक बार ही दिया, बट मैंने भी दिए ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरे ब्लॉग में मैं अपनी करूँगा। तो 12th के पेपर भी दिए इसी ईयर हमने दिए, साथ में फर्स्ट टाइम मतलब 15 साल से एक स्कूल में पढ़ रहे थे, एक ही स्कूल में मैंने अपनी 11 नर्सरी से लेकर 12th तक कर दी, तो स्कूल को छोड़ के आए, वो दुख बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, वो बड़ी बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए। तो फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे फील हुआ,
स्कूल टोटली हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। तो पहले बोलते छुट्टियाँ पड़े जाएंगे घर जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी जैसे हुआ तो स्कूल बंद होगा मन करता कि स्कूल जाए, तो फर्स्ट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा सीयर का कि बड़े सारे दोस्त मिले, बड़े सारे गए, तो ये तो सब पब्लिकली, ये तो बड़ा सारा, मतलब ये पब्लिकली बातें होती रहती हैं, सबके साथ होती रहती हैं, तो मेरे लिए कुछ खास नहीं है, मतलब मेरे साथ हो रही है तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े सारे दोस्त आए, बड़े सारे दोस्त गए, तो कौन कैसा है कौन कैसा नहीं, कौन दोस्त है कौन नहीं सब दिख जाता है, पता चल जाता है। तो ब्लॉग्स में ये सब बातें करते नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आज लास्ट ईयर मतलब इस ईयर का लास्ट डे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारी बातें कर देनी चाहिए, तो अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा फील होगा, और आपको बताऊँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा, तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। तो बहुत सारे दोस्त हैं, गए बने न्यू बने, तो यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी बड़े सारे दोस्त बने, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और थैंक यू, मतलब कॉलेज में हेल्प करने के लिए। दूसरा इस कॉलेज में आया, फर्स्ट टाइम घर छोड़ के इतनी दूर आया, मतलब घर छोड़ के फर्स्ट टाइम अपने घर से इसी ईयर में, मतलब 2022 फर्स्ट टाइम अपना घर छोड़ के इतनी दूर आया पढ़ने के लिए, फर्स्ट टाइम घर के बिना मैंने 2 मंथ काटे, मेरे लिए तालियां बहुत जोरदार तालियां मेरे लिए, फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर के बिना 2 मंथ काटे हैं कहीं अलग जगह पे आके। तो मुश्किल हुआ स्टार्ट में, अभी कुछ खास नहीं, लेकिन स्टार्ट में बड़ा मुश्किल हुआ, रहने की मन नहीं लगता था, खाने की सब कुछ मतलब एडजस्ट करने में टाइम लग गया, अभी भी नहीं हुआ इतना खास, लेकिन हो गया है। तो अभी पढ़ाई का मौसम है, तो अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई का मौसम चल पड़ा है। 12th में बोलते थे पढ़ लो कि सोचा आगे जाके मज़े करेंगे, आगे आए तो अभी उससे भी ज़्यादा पढ़ाई टफ हो चुकी है, तो मज़े कभी नहीं आते लाइफ में, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि 12th तक बड़े मज़े किए हैं, पढ़ाई कम की है मज़े बढ़े गए, तो अभी आगे पता है शायद पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सब बातें चलती रहती हैं, और न्यू ईयर मतलब यहाँ पे आए, ये भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है अपने आप में, तो और बड़े सारे दोस्त बने इस साल, तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो इस साल मैं बड़ा सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली, बहुत ज़्यादा मज़ा किया इस ईयर में, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इसी साल मज़ा किया हमने, क्योंकि बड़ा ही ज़्यादा मज़ा कर लिया कुछ। और यहाँ पे भी आज 31st है, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर जाएँ, खा के भी के आएँ कुछ, ठीक है। तो अभी कुछ खास प्लान नहीं है, बट देखते हैं, मन करेगा तो जाएँगे, नहीं करेगा तो अंदर सो जाएँगे, और 31st मनाना कोई ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं। नया साल है, अलविदा करते हैं इसको दिल से, अच्छा था तो भी, नहीं था तो भी, और न्यू साल को नमस्कार करते हैं, उसको बुलाते हैं कि आ जाओ जल्दी जल्दी, और ढेर सारी खुशियां लेके आए, वो आपके लिए भी मेरे लिए भी, अपने बारे में हम सोचना पड़ता है ना, क्योंकि मैं ठीक रहूँगा तो ही तो आपके लिए अच्छे ब्लॉग्स ला पाऊँगा। तो बड़ी सारी बातें हैं, तो बस यही कुछ बातें थी मेरे दिल में जो मैं कहना चाहता था इस साल। तो इस साल बहुत ज़्यादा मज़ा किया, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, फ़र्स्ट टाइम इतनी दूर आए पढ़ने के लिए, कॉलेज वगैरह, फर्स्ट कॉलेज में भी फर्स्ट टाइम आया मतलब पढ़ने के लिए, तो बहुत 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 कुछ। तो थैंक यू जो भी मेरे को देखते हैं, और जो भी थैंक यू जिन्होंने मेरी सपोर्ट की, जिन्होंने नहीं की उनको भी मेरे साइड से थैंक यू, जिन्होंने मेरा साथ निभाया उनको भी थैंक यू, जिन्होंने नहीं निभाया उनको भी थैंक यू, और जो मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिश्तेदार जो भी मेरे साथ हैं उनको भी थैंक यू, जिन नहीं हैं उनको भी थैंक यू, सबको मेरी तरफ से थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की, और आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, मेरे लिए भी लेके आए, आपके भी लेके आए, और सब दुनिया हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए, और पूरे इस दुनिया के जितने भी नागरिक हैं सबके लिए खुशियां लेके आए, मैं तो यही दुआ करूँगा। तो कुछ बोलते हैं कि ऑन कैमरा बोलने वाला है, नहीं भाई मैं ऑफ कैमरा भी बोलता हूँ, तो सबके लिए ऐसा है। तो अभी चलते हैं नीचे वापस, बहुत लंबा व्लॉग हो गया यार, बड़ी सारी बातें कर दी, फ्लो में बड़ा कुछ बोल दिया, पता भी नहीं चला मुझे कुछ नहीं पता, और कुछ भी अगर मैंने गलत बोला हो उसमें, किसी को हर्ट हुआ हो, वैसे मैंने कुछ हर्ट होने वाली बात की नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को गलत लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो मेरे को सॉरी अगर किसी को मेरी बातें कुछ गलत लगी हो, लेकिन और जिसको लगी हैं उसको भी हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो ये ब्लॉग इसलिए बनाना चाहता था ताकि मैं बता पाऊँ, और ब्लॉगिंग का रही ब्लॉगिंग की बात, तो पता नहीं कब तक कर पाऊँगा, अभी थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर है, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे हफ्ते का अभी एक दिन जैसे पर डे डालता हूँ एक दिन छोड़ के, तो ऐसे हफ्ते का एक बार डालेंगे, बट डालेंगे ज़रूर आपके लिए एंटरटेनमेंट फुल, और मैं बोल रहा हूँ घर जाऊँगा ना सबसे बेस्ट ब्लॉग होगा वो मेरी लाइफ का, ठीक है। तो वो भी देखना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो अभी चैनल को, और न्यू साल आने तक यार अभी एक साल आ गया, अभी एक साल तो हो गया, मार्च में स्टार्ट किया था, हो गया 1 ईयर, तो कर दो 500 सब्सक्राइबर कर दो यार, बहुत है वो भी मेरे लिए, तो सब्सक्राइबर छोड़ो चलो ये तो चलता रहता है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो चलो फिर मिलते हैं नीचे, और देखते हैं चलते हैं आज कहीं घूमने, तो देखते हैं बाहर कुछ खाने पीने का,
माहौल और कैसा है, तो आपको भी दिखाते हैं और एंजॉय करो ब्लॉग को। तो मिलते हैं नीचे जाके, गिर गया था भाई। ओके बाय। सो फाइनली गाइस हो चुके हैं हम रेडी, ठीक है, 31st के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो अभी आए थे हम दर्शन भाई के रूम में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इससे लेने आए थे हम चश्मा। तो कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना कि अच्छा लग रहा है या नहीं। और गौरव भी जा रहा है बाहर, आज हम 31st मनाने जा रहे हैं। तो आपको भी दिखाएंगे कैसा माहौल है बाहर का, और आज शेगा होगा और आपको भी दिखाएंगे, खुद भी चलते हैं। और करो आप भी ब्लॉग को एंजॉय। तो पीछे जो भी बातें बोली, तो जो अच्छी होंगी उनको याद रख लेना, और जो अच्छी नहीं होगी उसको फॉरगेट कर देना, भूल जाना सब कुछ। तो चलो फिर चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको जाए बाहर जाके। ओके, सो फाइनली गाइस हम फिर निकल चुके हैं घर से। तो ये सब आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं सुख सागर, यहाँ शेगांव में एक रेस्टोरेंट है, होटल टाइप है, ठीक है। तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो देखते हैं आज कैसा माहौल है वहाँ का, खाना वगैरह देखते हैं कैसा है। देखो ये नीचे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरे को क्या पता ये बैठा हुआ है, अभी गिर गया था मैं इसके ऊपर। तो अभी जस्ट हम खाने जा रहे हैं, ठीक है, मैं और गौरव, गिर गया था यार अभी। तो देखते हैं कैसा बना है खाना, और वहाँ कुछ माहौल दिखता है हमारे वाला, जम्मू वाला भी कुछ खाने वाला मिलता है, देखते हैं वहाँ पे। तो चलो फिर मिलते हैं आपको सीधे रेस्टोरेंट में। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सुख सागर, ये रहा, ठीक है। तो ऐसा माहौल है, कुछ बैलून वगैरह लगे हैं, तो न्यू ईयर की तैयारी वगैरह हो गई है, रेडी पे वगैरह हो चुका है शायद यहाँ पे माहौल। तो ऐसा कुछ माहौल है अंदर जाते ही, ऐसा देखते हैं। अबे डॉग बंद हुआ है, तो ये देख सकते हैं ऐसा माहौल है कुछ, ये नीचे डॉग है, ये ऐसा कुछ। तो दिखाते हैं बाद में कुछ। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में। तो ये सब भाई आए हैं हमारे साथ, ठीक है, ये रोहन भाई, दिवानशु भाई, दर्शन भाई, ये यहाँ पे अपने अमित और गौरव, ये पीछे हैप्पी न्यू ईयर, ये लेकिन थोड़ा उल्टा लग रहा है, बाहर वाली साइड है, तो यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करेंगे। तो ऐसा माहौल है इस रेस्टोरेंट का, कुछ वो गिर गया था जिसे देख सकते हैं आप, सही लग रहा है भाई। तो अभी खाते हैं कुछ, यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कैसा माहौल है, क्या क्या बनता है यहाँ पे, हम भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं इस रेस्टोरेंट का। और बाहर ये हैप्पी न्यू ईयर दिख रहा है ना, इसके बाहर फोटोशूट वगैरह करेंगे, वो इंस्टा पे डालूंगा मैं, तो स्टोरी वगैरह, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा, तो सब फॉलो कर लेना, ठीक है, इंस्टा पर फॉलो करो। तो चलो फिर मिलते हैं खा पी के। सो फिलहाल तो ऑर्डर किया है, ठीक है, अभी ऑर्डर करें लड़के। तो मैं जस्ट आया था वॉशरूम हाथ वगैरह वॉश करने, तो कैसा लग रहा हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो फिर चलते हैं, मंगवाते हैं कुछ, खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे प्लेट वगैरह सज गई है हमारे टेबल पे। तो रोहन भाई कैसा लग रहा है आपको न्यू ईयर की पार्टी करते हुए? एकदम जकास। अभी खाना आ रहा है, ठीक है, तो खाना रोहन भाई, ये रहे हमारे दूसरे भाई। भाई कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। तुम दोनों भाई बताओ भाई, सही है? तो हम अभी इंतजार कर रहे हैं अपने खाने का, तो जब वो आएगा, तो अभी खाली प्लेट है, वो आते तो आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये साइड में विंडो है, बट सही लग रही है यार, अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए। तो खाने का वेट कर रहे हैं, देखते हैं खाना आता है, फिर आपको भी दिखाते हैं क्या मंगवाया हमने, और खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और आपको भी। सो फाइनली गाइस हमारे बटर नान वगैरह आ गए हैं, ये पनीर आ गया हमारा, अभी इनका ऑर्डर भी आने वाला है। तो ये हम तीनों का ऑर्डर है, ठीक है। शक्लें देखो बंदे की, खुशी देखो भाई, खुशी देखो, कितनी खुशी हो रही है खाना आने के बाद। तो बहुत मन कर रहा है खाने का, जल्दी जल्दी खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, खाने के बाद। भाई एक नंबर भाई, बताओ भाई, एक नंबर मीठी सब्जी बनी है, बिल्कुल मेरे मन की भाई, हमारे मन की, जैसे हमें चाहिए वैसी बनी है, एक नंबर। तो खाते हैं फिर मिलते हैं आपको, ठीक है, बहुत टेस्ट है, रुकने जा रहा मैं, से खा के मिलता हूँ। वो वाली टिक्की है थोड़ी, ठीक है, ये नान रहा हमारे, और ये दाल। तो हम तो खाना स्टार्ट कर गए, ये अभी खा रहे हैं, तो खाते हैं तो फिर मिलते हैं। कोयला पनीर ये मंगवाया है फिलहाल हमने, और अभी नान भी आ रहे हैं खा के। फाइनली गाइस अभी खाने के बाद हम आ चुके हैं, ठीक है, वापस। तो अभी पीछे देखो, पहले हैप्पी न्यू ईयर, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो बहुत मज़ा आया यार, बहुत बहुत अच्छा लगा, पूरी जम्मू वाली फीलिंग आई यार, जो पहले वाली सब्जी थी ना, एक क्लास थी भाई, सही बताओ तो बहुत सही लगा यार मेरे को, मतलब अच्छा लगा, तो टेस्ट आया। गौरव को बुलाता हूँ यार, गौरव को पूछो कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो गौरव को पूछते हैं भाई, बता कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई जम्मू, समझो इतना टेस्ट है भाई, इतना खा लिया ना, अभी जब बिल देना पड़ेगा फिर पता चलेगा। हम तो दोनों बाहर निकल गए हैं, पीछे पे रह गए, जो बिल वो देंगे, हम पे नहीं करने वाले, क्योंकि पैसे नहीं है भाई। बट जो मैं सही बताऊँ, जितनी क्वांटिटी थी ना बिल, उस हिसाब से ठीक आ रहा है हमारा, तो वैसे अच्छा लगा। तो अभी डेजर्ट हम यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑलरेडी बड़ा खर्चा हो गया, तो हम अभी रोड साइड से कहीं डेजर्ट खाते हैं या पीते हैं। तो चलते हैं ऑन द पे वगैरह पेमेंट करते हैं, झूठ बोल रहा हूँ, मैंने भी करनी है पेमेंट, तो मैं भी करता हूँ, दिमांशु भी पेमेंट कर रहा है, मैं भी करता हूँ, तो पेमेंट करके फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो वो पीछे पीछे बड़ा सही लग रहा है यार मेरे को, वो भी दिखाता हूँ बट आने के बाद, बाहर आने के बाद। ओके गाइस देख लो बिल, वैसे खाया भी पेट भर के, बट बिल देख सकते हैं। तो ये दुकान का नाम है, आप भी आओ कभी, विजिट करो शेगांव में,
तो अभी पेमेंट करते हैं फिर मिलते हैं। गाइस रोहन भाई को पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ बाहर आके। अरे भाई देखो हमने घुमाया तू मेरे। ओ सॉरी भाई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पूछ लिया भाई। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आज फुल जम्मू वाली फील आ गई, मतलब मजा आ गया खाना खाने में भाई, बहुत अच्छा लगा यार, आई लाइक इट। तो अभी जा रहे हैं और वो अंदर पेमेंट कर रहे हैं ना, तो उसका वेट करते हैं फिर चलते हैं बाहर। रोहन भाई आज बताओ मजा आ रहा है ना वैसे? एक नंबर जकास। 31 अच्छे से गुजर रही है, पिछला साल और नया साल आने वाला है, तो सबको पहले हैप्पी न्यू ईयर बोल दो मेरे साइड से। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हाँ मैंने तो बोल दिया, इसकी साइड से भी हैप्पी न्यू ईयर सबको और मेरी साइड से भी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो फिर मिलते हैं आपको सीधा हॉस्टल में जाकर। दिसंबर का तो फुल एंजॉय चल रहा है, तो अभी हम बादाम शेक पी रहे हैं। मैं रोहन भाई नहीं पी रहे, इनको पेट फुल हो गया, इन्होंने बड़ा कुछ खा लिया, तो ये दोनों ले रहे हैं। तो ये रहे हमारे बादाम शेक, तो पीते हैं क्योंकि टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया, तो हॉस्टल बंद हो जाएगा फिर वो अंदर नहीं आने देंगे हमें, तो जल्दी जल्दी पीते हैं और फिर चलते हैं हॉस्टल में और मिलते हैं आपको हॉस्टल रूम में जब। फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं हम वापस रूम में, ठीक है। तो आज क्या बहुत ज़्यादा मज़ा किया, तो बड़ा मज़ा आया आज खाने में भी, खाना तो एक नंबर था भाई, एक नंबर टेस्ट था, एक नंबर मज़ा आ गया भाई, सही बताएं तो आज है लास्ट दिन, तो करते हैं 2020 को बाय बाय और 2023 को करते हैं हाय हाय, तो हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलते हैं, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, एंड सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो ये पहला न्यू ईयर है जो मैं अपने घर से बाहर नहीं मना रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो आई होप आपका ये नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आए आप सबके लिए। तो चलो फिर करते हैं एंड आज इसको और कल मिलते हैं 1 जनवरी को आपको अगले साल इसी ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है 1 जनवरी, नए साल का नया दिन, तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। और अभी हो रहे हैं सुबह के 12 बज रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं हम ATM वाली साइड, वहाँ पर थोड़े से पैसे निकलवाने, तो उस साइड जा रहे हैं मैं और अमित, निकलवाने गौरव के हैं लेकिन निकलवाने हम दोनों जा रहे हैं, तो वो थोड़ा बिजी था इसलिए हम जा रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं और आज ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसा माहौल है आज का, कैसा बनता है कैसा नहीं। तो कल बड़ी सारी बातें कर दी है, तो आज कुछ रहा ही नहीं बोलने के लिए, चलो फिर मिलते हैं बाद में। सो गाइज, मुझे यहाँ पे अपने न्यू दोस्त मिले हैं दो, तो आप देख सकते हैं तो कितने मस्त हैं यार। वैसे इनकी मम्मी नहीं यहाँ पे, वो कहीं पे भी देख सकते हैं यार, मेरे को डर ही लग रहा है आके कार्ड ना दे, बट बहुत सही लग रहे हैं यार, वैसे कितना सही यार, क्यूट है ना। मैं लेके जाता हूँ रूम में, गौरव को दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं इनसे मिलके इनसे बातचीत करता हूँ थोड़ी देर और फिर करते हैं आपसे भी बात, ठीक है। सो फाइनली गाइज, अभी टाइम आ गया इस ब्लॉग को एंड करने का, तो इस न्यू ईयर दो और फ्रेंड बन गए मेरे, तो वो तो आपने देख ही लिए, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसे लगे। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे यार, बहुत ज़्यादा क्यूटी क्यूटी क्यूटी। तो लास्ट टाइम फिर से बोलना चाहता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, और इस ब्लॉग को कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जितना कर सकते हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब जितना कर सकते हो, करते जाओ यार सब्सक्राइब, करो करो करो, इतने लोग हैं इस दुनिया में, बिलियन शिलियन इतने बिलियन लोग हैं, 400-500 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे यार, बहुत दुख की बात है यार। इतना गंदा भी कंटेंट नहीं बनाता, इतना गंदे ब्लॉग्स भी नहीं बनाता जो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को करो ज़्यादा शेयर ऐसे और अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग के लिए। तो मिलते हैं ऐसे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, अभी मैं सीधा पेपर के बाद मिलूंगा आपको, तो शायद 2-3 दिन ब्लॉग ना आए, बट लेकिन ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि साल का लास्ट ब्लॉग था, तो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैंने बना दिया। तो मिलते हैं ऐसे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय डोगरी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।